मौज सामीन लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो जिसमें मैं ताला एक ऐसा छोटा सा अमल बताऊंगा जिसके जरिए से आप बेशुमार फायदे हासिल कर सकते हैं ये अमल एक दुआ के शक्ल में है यानी एक दुआ है जिसके पढ़ने पर अल्लाह तबारक वाली आपके तमाम गुनाहर को माफ फरमाएगा उसके अलावा जिंदगी में कई तब्दीलियां आएंगी यानी कि अल्लाह तबारक व ताली हमारी जिंदगी में बरकतें अता फरमाएगा हमारी उम्र में रिस्क में घरों में खैर बरकत भी नाजिल फरमाएगा अब उस दुआ को कब पढ़नी है और कितने मरतबा पढ़ने हैं उनका तरीका बताता हूँ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शाबान में दो दिन खास करके लोग रोजा रखते हैं वैसे तो पूरा महीना रोजा रखना चाहिए जो पूरा महीना ना रख पाए कम से कम दो रोजा रखे या तीन रखे या सिर्फ एक भी रोजा रख सकता है लेकिन हमारे इसमें आम है कि हम दो रोजा रखते हैं एक पंद्रह शाबान का रोजा रखते हैं और एक शाबान पंद्रह शाबान के साथ और एक मिला लेते हैं या तो एक पहले मिला लेते हैं या फिर बाद से मिला लेते हैं यानी कि चौदह तारीख और पंद्रह तारीख का रोजा रखते हैं या फिर 15 तारीख या 16 तारीख का रोजा रखते हैं तो इन दोनों रोजों में जब भी आप रोजा रखें तो रोजा आपने पूरा दिन रख लिया अब जब अफतारी के वक्त आप बैठते हैं अफतारी करने के लिए अभी वक्त बाकी है थोड़ी देर पहले 5 मिनट दस मिनट पहले बैठ जाएं बैठने के बाद तीन मरतबा दरुद पाक पढ़ें जो भी दरुद पाक आपको याद हो वो दरूद पाक पढ़ें उसके बाद सत्तर मरतबा सेवेंटी टाइम आपको ये दुआ पढ़नी है अल्लाह मग फिर वलीवाल वलोलाब मुमिनीना वलीवाल वलिलीना हिसाब। सत्तर मरतबा आपको यही दुआ पढ़नी है और फिर से आपको तीन मरतबा दरुद पाक पढ़नी है और उसके बाद सूर्य अखलास आपको याद हूं आयतल कुर्सी आपको याद हो सूर्य फातिहा आपको याद हो जितने भी सूर्य आपको याद हो पढ़ते रहें पढ़ते रहें उसके बाद जब देखें कि अब अफतारी का वक्त करीब है यानी बस अब एक दो मिनट में अफतारी का वक्त हो जाएगा और फिर अफ्तारी हम कर लेंगे तो इसीलिए उस वक्त आप रुक जाएँ और थोड़ा सा हाथ उठाकर अल्लाह ताली की बारगाह में दुआ करें अपने दिल से अपने दिल की आवाज़ से दुआ करें इन शाह तल्ला तबारक वाली आपकी सब दुआएँ कबूल फरमाएगा उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अच्छी लगे तो लाइक करें अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा अल्लाह हाफिज़